अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील। हमारे इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी वीडियो का मौजू चंबल है। चंबल दो तरह की होती है, खुश्क चंबल और दूसरी तर चंबल। पहले बात करते हैं खुश्क चंबल की। नाज़रीन, खुश्क चंबल के अंदर किसी किस्म की रतूबत नहीं बहती और ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। अक्सर इसका इब्तदा हाथों और पाँव से होती है और इलाज न होने की सूरत में ये पूरे बदन पर ही फैल जाती है और जिस्म में खुश्की तेजाबियत की ज्यादा मकदार बढ़ जाती है और हरारत की कमी होने की वजह से अक्सर लोगों के हाथ पांव फट जाते हैं और ऐसे मरीजों को अक्सर कब्ज ही रहती है और पेट में बकसरत गैस खारिज होने में काफी परेशानी रहती है। इसमें बदन की रंगत स्याह बदन और खुरदरापन और चेहरा मुरझा जाना और खुश्क खारिज और एलर्जी होती है। नाज़रीन, चंबल की दूसरी किस्म तर चंबल है। इस चंबल में पीली सफेद और दार रतूबत बहती रहती है जिससे आपके हाथ के मांस फटना शुरू हो जाता है और इससे मुतासिर जिल्द पर काफी खारिज और बेचैनी होती रहती है। खारिज की बेचैनी की वजह से मरीज इस पर खारिज करता रहता है और इसमें से रतूबत बाज़ुकात खून आने भी लगता है। नाज़रीन, चंबल होने की असल वजह अभी मालूम नहीं, अलबत्ता खून की खराबी, हाजमा की खराबी, शराब नोशी और ज्यादातर सिगरेट नोशी और बेफजूल चीजें खाने से और बहुधा चीजें इस्तेमाल करने से आपको ये मर्ज पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन, चलिए बात करते हैं अब इसके नुस्खों की। नंबर वन, चंबल के इलाज के लिए आपको वुड ऑयल, जो कि बाजार से आसानी और सस्ते दामों में मिल जाता है, इस वुड ऑयल को जख्म या खारिश वाले मुतासर हिस्से पर दिन में 2 से 3 दफा लगाएं और इसके अलावा आपने पेंसिलिन पाउडर को वैसलीन क्रीम में मिक्स करके मुतासर हिस्से पर दिन में 2 बार लगाना है। और नंबर 2, इसका नुस्खा ये है कि कार्टिसून के मरकबात मुतासर हिस्से पर लगाना बहुत ही मुफीद है। मसलन आपने इसको इस पर इस तरह लगाना है कि ये मरहम खास तौर पर बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये हाथों की सफाई का ख्याल भी रखता है। उसको लगाने का तरीका ये है कि आपने उसको हल्की हल्की सी मसाज करनी है और ये कार्टिसून के मरकबात हैं जो कि आपको किसी भी दुकान से मिल सकते हैं। नंबर 3, इसका नुस्खा ये है कि तर चंबल के लिए असाबी या गुजलाती मिलियन अक्सीर असाबी और अजदी तरियाक मिलियन 2 गैर इस्तेमाल कराएं। यानी कि आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, असाबी अजलियात अक्सेर और असाबी अजदी तरियाक, यानी कि आपने इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, यही तक थी आज की हमारी मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, आप इन नुस्खों में से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करके आप इस चंबल, इस तर चंबल और खुश्क चंबल की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अकील को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।